Good evening, everyone. This is Abhishek Chinchilkar, your host today. Are you able to hear my voice properly and clearly? You could reply with a yes or no in the chat. Great. So I can see plenty of yeses. So with that, we'll start today's webinar, which is on advanced trading strategies using the RSI indicator. 2 weeks ago, we did a strategy on, we did a webinar on RSI, which was basic strategies using the RSI indicator. Today, the focus will be on advanced strategies using the RSI. Keep in mind that this webinar will be in Hindi, and the speaker today will be Suruchi Kapoor, who is head of content at FIRES. So without any further ado, let me hand over the stage to Suruchi. Suruchi, you can start the webinar. Thank you, Abhishek. So hello, friends. Aap sabka swagat hai hamare FIRES ke ye webinar mein. So last time humne dekha tha ki, you know, RSI kya hota hai aur kaise aap usko identify kar sakte ho. Humne basic cheezon ke bare mein aapse baat kari thi RSI par. आज जो है वो हम बात करेंगे एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से हम यूज कर सकते हैं आरएसआई को लेकर. तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको कोई से भी टॉपिक्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स, अगर आपको करेंसी समझना है या फंडामेंटल समझना है या कमोडिटी या एनी फाइनेंशियल टॉपिक्स विच यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, तो आप हमारे स्कूल ऑफ स्टॉक्स पे जा सकते हो. वहां पे आपको चैप्टर वाइज इन सब टॉपिक्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया है. और अगर आपको इन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप अभिषेक चिंचोलकर को हमेशा मेल कर सकते हो, आप उनको ट्विटर पे पूछ सकते हो, बिकॉज ही इज द मेन पर्सन बिहाइंड दिस, जो कि सारे चैप्टर्स और इन सब में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनने लिखा है. तो बेसिकली अगर कोई भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं. तो चलिए अब हम अपना वेबिनार अब स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं जस्ट क्विकली रिकैप करूंगी कि हमने लास्ट वेबिनार में क्या टॉपिक्स कवर करे, बट मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स में अभी कुछ भी नहीं बताऊंगी. तो हमने समझा था आरएसआई क्या होता है, हमने फिर ये देखा था कि आरएसआई को हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है. फिर हमने देखा कि अगर हम आरएसआई देख रहे हैं तो व्हाट इज द बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ आरएसआई. फिर हमने ये भी समझा था कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन क्या होते हैं और आरएसआई को हम कौन से दूसरे अदर टूल्स और इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं अच्छे ट्रेड लेने के लिए. और लास्ट में जो हमने देखा था कि अगर आपकी, मान लीजिए अगर हम जो आरएसआई है उसकी सेटिंग्स को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो किस तरह से, अगर आप मान लीजिए उसकी जो हमारी स्टैंडर्ड सेटिंग जो है 14 डेज, अगर उसको आप थोड़ा सा भी स्लाइटली चेंज करते हो या इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, तो हमने देखा था किस तरह से जो सेंसिटिविटी है उस इंडिकेटर की और उससे कैसे प्राइस पे वो इम्पैक्ट होता है. तो ये सब पार्ट हमने अपने फर्स्ट वेबिनार में कवर किए थे. और अगर आपको ये वेबिनार आपसे मिस हो गया है तो आप ये फर्स्ट पार्ट ऑफ हमारा जो वेबिनार है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं. अब आज का जो वेबिनार है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि एडवांस आरएसआई सिग्नल्स क्या होते हैं, हमको क्या देखना चाहिए, तो इसमें मैं जो आपको बताऊंगी आज के वेबिनार में, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस क्या होते हैं. फिर मैं आपको बताऊंगी कि बुलिश और बेयरिश फेलियर स्विंग क्या होते हैं. फिर हम देखेंगे कि बुलिश बेयरिश हिडन डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं. और जैसे कि हमने आपको फर्स्ट वेबिनार में बताया था कि आरएसआई बेसिकली एक जो इंडिकेटर है वो एक पर्टिकुलर चैनल में वर्क होता है, इट्स नॉट अ कि चैनल में नहीं है. तो बेसिकली उसके ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन होते हैं, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ओवरसोल्ड ओवरबॉट क्या होते हैं. तो आज हम देखेंगे कि उसमें कैसा एक थोड़ा सा स्लाइड चेंज है बुल मार्केट और बेयर मार्केट में. आरएसआई के मार्केट जोन कौन से होते हैं, मतलब कौन सा ओवरबॉट होता है, कौन सा ओवरसोल्ड होता है, वो हम देखेंगे. और फिर हम देखेंगे ओवरऑल कि हम आरएसआई को किस तरह यूज कर सकते हैं अपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है,
तो ये आज का ब्रॉडर टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूंगी और आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस से। तो बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है? तो जैसा कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं यहाँ पर, कि बुलिश डाइवर्जेंस सिंपली उसका मतलब होता है कि जो आपकी प्राइजेस हैं वो बेसिकली लोअर लो बनाती हैं और जो आपका RSI है वो हायर हाई बनाता है एंड हायर लोज बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्राइजेस जो है, आप देख सकते हैं स्लैंटिंग है, डाउन साइड है, और ये वाला लो और ये जो लो है ये लोअर लोज है। और आप RSI के अगर लोज देखोगे तो ये फर्स्ट लो था, ये सेकेंड लो है, सेकेंड लो के बाद ये जो लो बनता है ये प्रीवियस लो से ऊपर है। तो हमको बुलिश डाइवर्जेंस जब भी आप देखो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि प्राइजेस लोअर लोज होंगे और RSI हायर लो होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट आपका हो जाएगा बेरिश डाइवर्जेंस में। तो बेरिश डाइवर्जेंस हम जब देखेंगे कोई भी चार्ट पे RSI को लेकर, तो उसमें हम देखेंगे कि प्राइजेस जो हैं आपकी वो हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये हायर टॉप, दिस हायर टॉप एंड दिस हायर टॉप, और जो RSI है वो आपका लोअर टॉप बनाएंगी एंड ग्रेजुअली लोअर बॉटम। तो आप ये देख सकते हैं इस चार्ट में सिंपली कि किस तरह से RSI का ये फर्स्ट हाई था, सेकेंड हाई जो है इट इज हायर देन द फर्स्ट हाई, और जो थर्ड हाई है तो वो बेसिकली लोअर है हमारे ये सेकेंड हाई से। तो इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस स्टार्ट टेकिंग प्लेस हो रहा है। तो जहां पे भी आप देखो कि अगर प्राइस और RSI एज एन इंडिकेटर, उनका जो मेन ट्रेंड है, इफ दे आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन तो डाइवर्जेंस हो सकते हैं। तो लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बेरिश और बुलिश डाइवर्जेंस को लेकर। चलिए मैं आपको लाइव जो चार्ट है, मतलब ये लाइव चार्ट नहीं है, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल निकाला है। तो ये बेसिकली अदानी पोर्ट का चार्ट है और इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइजेस किस तरह आपका कंटिन्यूसली लोअर टॉप्स बना रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, और लोअर लोज बना रहे हैं। तो ये एक फर्स्ट देखा। और यहाँ पे अगर आप RSI देखोगे तो RSI जो है आपका वो हायर बॉटम बना रहा है, तो फर्स्ट लो एंड दिस इज द सेकेंड लो, और जबकि प्राइस आपका लोअर लोज बना रहा है। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है। बुलिश डाइवर्जेंस सिंपली यहाँ पे बता रहा है, और उसके साथ आप देखोगे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव बुलिश पैटर्न भी है। तो ये बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, आप अपनी लॉन्ग पोजिशन बिल्ड कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ पे भी देखिए, थोड़ा सा आ जाइए तो देखेंगे ये कितना स्टीप फॉल है, डाउन साइड ट्रेंड है और प्राइजेस लोअर लोज बना रही हैं, और यहाँ पर RSI ने हायर लो बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है, प्लस यहाँ पे बुलिश पैटर्न है, तो वो भी आपको एक सपोर्ट दे रहा है कि बुलिश पैटर्न विथ पॉजिटिव बुलिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे आप अपनी लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं पोजिशन और लॉन्ग कॉल्स ले सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है बुलिश डाइवर्जेंस का, जो कि मैंने आपको ये चार्ट पर दिखाया। अब देखते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। तो हमने जैसे कि बताया था बेरिश डाइवर्जेंस में जस्ट ऑपोजिट होता है, प्राइजेस हायर हाई बनाएंगी और RSI आपका लोअर हाई बनाएगा। तो आप ये देख सकते हो ये अमर राजा बैटरी का डेली चार्ट है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह प्राइजेस ने हायर हाई बनाया है और उसके बाद करेक्ट किया है, एंड RSI ने बेसिकली लोअर हाई बनाया, तो दिस इज बेसिकली नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। तो मैंने आपको बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस का ये एग्जाम्पल देकर आपको समझाया। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत टाइम क्या होता है कि कोई ट्रेंड चल रहा है एंड सडनली वहां पे हम फेलियर होता है उस ट्रेंड का, जिसको हम कभी कभी फेलियर ऑफ स्विंग भी कहते हैं। तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे बुलिश और बेरिश फेज में? तो सबसे पहले हम देखते हैं बुलिश फेलियर स्विंग। तो बुलिश फेलियर स्विंग की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली आप ये देख सकते हो कि ये कंटिन्यूसली RSI का ट्रेंड जो है वो डाउन है। लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली है कि जो RSI है वो अपना W स्ट्रक्चर बनाता है सेकेंड नीचे में जाकर।
तो जब वो W स्ट्रक्चर बनाता है और जब उसका पीक उसको ब्रेक करता है तो हमारा वहां से ट्रेंड रिवर्सल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ चार्ट पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फर्स्ट बॉटम बना और उसके बाद ये W स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, दिस इज अ प्रॉपर W स्ट्रक्चर। और इसका ये जो सेकेंड का जो फर्स्ट ये पीक जब ब्रेक होता है तो यहाँ से हमारा ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो ये नॉर्मली आपको बहुत बार प्राइजेस में देखना को मिल सकता है और इस हिसाब से फिर आप मे बी अपनी लॉन्ग कॉल बिल्ट अप कर सकते हैं। और ये W स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है जब अगर आप RSI पे इसको लोकेट करते हो। अब दूसरा है बेयरिश फेलियर स्विंग। इसमें जैसे कि हमने बुलिश में देखा था कि वहां पे RSI पे W स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें बेसिकली M स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो जब M स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आता है तो वो ट्रेंड वहां से चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से RSI ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको M स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत क्लियरली और उसके बाद आप उसका देख रहे हैं कि किस तरह से ब्रेकडाउन होता है। तो जब कभी भी आपको RSI देख रहे हैं तो ट्राई टू आइडेंटिफाई ये W एंड M स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंगली उसके साथ आप प्राइस को ध्यान में रख के कि वहां पे क्या पैटर्न बन रहा है क्या पैटर्न नहीं बन रहा है उस हिसाब से अपने आप लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन कर सकते हैं। बट जब भी आप ये W M स्ट्रक्चर देख रहे हैं और उसके साथ अगर आपको पॉजिटिव पैटर्न दिख रहे हैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है इन चीजों को लेकर वो ये है कि ऑलमोस्ट 90% है कि वहां से ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं और जो प्राइजेस हैं वो बहुत अच्छा आपको अपसाइड मूव या डाउनसाइड मूव आपको कैप्चर करने को मिलता है। तो ये तो हो गया बेरिश फेलियर स्विंग और इससे पहले बुलिश फेलियर स्विंग। तो चलिए अब इसको हम लोग एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो अगर आप चार्ट पे देखोगे ये बजाज ऑटो का चार्ट है और आप जैसा कि देख सकते हो कि पहले किस तरह से मार्केट करेक्ट हुआ, रैली हुई, यहाँ टॉप पे जाके बेसिकली आप देखोगे कि हाँ एक तो प्राइजेस का बेरिश पैटर्न है प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस इज द एम स्ट्रक्चर तो इसका ब्रेकडाउन है, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन है, यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर है, सपोर्ट इज ब्रेकडाउन होता है। तो आप देख सकते हो कि जब एम स्ट्रक्चर इस टाइप से फॉर्म हो रहा है तो आप कितना यू नो डाउनसाइड आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं एंड आप अच्छा डाउनसाइड मूव कैप्चर कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ पे भी देखोगे कि यहाँ पे एम स्ट्रक्चर यहाँ पे RSI पे किस तरह फॉर्म हो रहा है एंड उसके कंपैरिजन में ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेरिश पैटर्न है और जो वो बेरिश पैटर्न है प्लस सपोर्ट ब्रेक होता है सो ऑल द थ्री पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजिशन बिल्ट अप कर सकते हो। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि 90% चांसेस हैं जब आप W और M स्ट्रक्चर फाइंड करते हो RSI पे उसके जो फॉलो अप है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह स्टॉक नीचे की तरफ आया है। जस्ट जिन लोगों को थोड़ा सा अगर क्लैरिटी नहीं हो रहा हो तो वो भी ये मैंने उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी करके थोड़ा सा दिखाया है कि यू नो ये प्रॉपर एम स्ट्रक्चर है और यहाँ पे प्राइजेस देखिए ये ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल टॉप है, यहाँ पे एम स्ट्रक्चर है तो किस तरह से प्राइजेस फर्दर डाउन जाते हैं। दूसरी चीज ये है इम्पोर्टेंट की ये कि ये जो भी हम मैं आपको बता रही हूँ आज के वेबिनार में बुलिश डाइवर्जेंस बेरिश डाइवर्जेंस एंड स्विंग फेलियर बेरिश स्विंग फेलियर बुलिश ये आप बेसिकली किसी भी टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप यूज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डेली पे ही यूज करना है तो आप इंट्राडे में 10-15-30 मिनट्स पे नहीं कर सकते तो ऑल द टाइम फ्रेम्स पे आप ये यूज कर सकते हैं। अब ये दूसरा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइजेस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइजेस सपोर्ट लेती हैं, पॉजिटिव पैटर्न बनता है। और RSI का अगर आप देखो तो ये ध्यान से देखो ये W स्ट्रक्चर बनता है, जब W स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देता है तो आप देख सकते हो कि किस हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल लाइन है और कितना अच्छा मूव यहाँ पर अपसाइड में आता है। तो आपको सिर्फ जब भी आप ये स्ट्रक्चर देखें तो इसको अकेले मत देखें, इसके साथ पैटर्न्स को भी इन्वॉल्व करके देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह आप देख सकते हैं
ये बुलिश डाइवर्जेंस का मैंने चार्ट दिखाया है, जहां पे आरएसआई और प्राइस का मैंने आपको दिखाया कि किस तरह बुलिश डाइवर्जेंस प्ले होता है। अब हम बात करेंगे हिडन डाइवर्जेंस। अब हिडन डाइवर्जेंस क्या होते हैं? तो हिडन डाइवर्जेंस में भी दो कैटेगरी है, एक है बुलिश हिडन डाइवर्जेंस और एक है बेरिश हिडन डाइवर्जेंस। अब ये किस तरह से डिफरेंट है हमारे नॉर्मल जो हमने डाइवर्जेंस देखे? तो अगर आप इसमें ध्यान रखोगे, बुलिश में आप देखोगे कि जो आपकी प्राइस है उसका जो लो है, तो बेसिकली हायर लो इन प्राइस होता है और कंपनीड बाय लोअर लो इन आरएसआई। हमने वहां पे हाई की बात करी थी। अगर आप ध्यान से देखो जो हमने फर्स्ट डाइवर्जेंस की बात की थी बुलिश डाइवर्जेंस में, तो हमने क्या बात की थी कि हमारे जो ये लो है ये लोअर होंगे और आरएसआई का जो लो होगा वो हाई होगा। हिडन डाइवर्जेंस उल्टा है। हिडन डाइवर्जेंस में आप देखोगे कि ये जो लो है बेसिकली प्राइस के वो हाई होंगे और जो आरएसआई के लो है वो लो होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बेरिश हिडन डाइवर्जेंस की। तो हमने जब बेरिश हिडन डाइवर्जेंस मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने, जैसे कि मैं फिर से एक बार उस स्लाइड पे ले जाती हूँ, कि वहां पे मैंने आपको बताया था कि बेरिश में क्या होता है, हायर हाई होगा और यहाँ पे आरएसआई का लोअर लो होगा। लेकिन ये जस्ट हिडन डाइवर्जेंस में ऑपोजिट हो जाता है। तो आप देखेंगे हिडन डाइवर्जेंस में बेसिकली आपके प्राइस लोअर हो जाएंगी और जो आपका आरएसआई है उसका जो टॉप है हायर हाई होने लगेगा। तो इस टाइप के जो डाइवर्जेंस होते हैं उनको हम हिडन डाइवर्जेंस कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड हम उनको बेरिश हिडन डाइवर्जेंस एंड बुलिश हिडन डाइवर्जेंस बोलते हैं। अब ये एग्जाम्पल है निफ्टी का डेली चार्ट का, और इसमें मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह बुलिश हिडन डाइवर्जेंस प्ले करते हैं। तो हमने क्या बात की थी बुलिश हिडन डाइवर्जेंस में, कि बेसिकली आपका जो प्राइस है उसके जो लो है वो हायर होंगे और आरएसआई के लो लोअर होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरह से ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है और ये किस तरह से जो लो है दिस इज हायर देन द प्रीवियस लो। और आप उसी टाइम फ्रेम पे उसी के जस्ट करस्पॉन्डिंगली अगर आप देखोगे तो आरएसआई का जो ये लो है और ये जो लो है तो इज लोअर देन इट्स प्रीवियस लो। तो जब इस टाइप के आपको कॉम्बिनेशंस प्राइस पे दिखते हैं तो उसको हम बुलिश डाइवर्जेंस कह रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस हिसाब से मार्केट मूव करते हैं या रिएक्ट करते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आप आरएसआई को प्राइस के साथ देख रहे हैं, तो अगर आप देख रहे हो कि सी हमने बात की है कि जो हमारे लो होने चाहिए प्राइस के वो हायर होने चाहिए कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पे या तो अक्टूबर वाले पॉइंट पे, तो आप देखोगे ये प्राइस लो है और उसके बाद वाला जो प्राइस है हायर है। ओके, तो ये एक क्राइटेरिया फर्स्ट पकड़ में आ गया। लेकिन अगर आप आरएसआई का देखोगे तो जो हिडन डाइवर्जेंस के हिसाब से जो उसकी डेफिनेशन है जो कि बोलता है कि आरएसआई का जो लोज है वो फर्स्ट लो जो है वो आपका जो सेकेंड लो है वो आपके फर्स्ट लो से कम होगा, तो वो क्राइटेरिया अगर आप देखोगे ये अक्टूबर नवंबर वाले में वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये आपका हिडन डाइवर्जेंस नहीं हो सकता, बुलिश हिडन डाइवर्जेंस नहीं हो सकता। तो आपको बेसिकली ये क्राइटेरिया हमेशा ध्यान में रख के चार्ट्स को देखना चाहिए। अब हम लोग मैं आपको बताती हूँ, ये निफ्टी का आवरली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बेसिकली किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, सो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने आवरली पे भी आपको दिखाया है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह प्राइजेस निफ्टी की फॉल हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनता है। ये फर्स्ट लो है 28, ये फेब का सेकेंड लो है। उसी हिसाब से अगर आप आरएसआई का देखोगे तो ये जो फर्स्ट लो है ये स्मॉलर है कंपेयर टू सेकेंड लो। एंड so all the three criteria, bullish pattern with lower prices and higher lows of RSI, ये तीनों जब combination हो रहे हैं it's a perfect example कि आप यहाँ पे अपनी position long कर सकते हैं। अब
हम देखते हैं बेरिश हिडन डाइवर्जेंस का एग्जांपल। तो ये बेसिकली पेट्रोनेट का 2 आवरली का चार्ट है। तो आप यहाँ पे हमने क्या बात की थी बेरिश हिडन डाइवर्जेंस में कि जो हमारे प्राइस है उसका जो हाई होगा जो वो लोअर होते जाएंगे और RSI के हाईस ऊपर की तरफ जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो हमने देखा यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ, प्राइजेस करेक्ट हुए और उसके बाद भी डाउनसाइड ट्रेंड कंटिन्यू है और आप देख रहे हो कि प्राइजेस किस तरह लोअर हाई बना रहे हैं। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट हुआ। उसके उसी का अगर जब आप RSI में देख रहे हो तो ये फर्स्ट हाई बना, उसके बाद ये सेकेंड हाई बना। सो ये क्लियरली एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव और यू कैन से बेरिश हिडन डाइवर्जेंस का। तो बेसिकली आप देख और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस तरह ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू यहाँ पे एक देख सकते हैं कि बेरिश पैटर्न बना है विच इज लाइक यू नो ऑल ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, बेरिश पैटर्न विद आपके प्राइजेस विद योर RSI। तो ये तीनों क्राइटेरिया फिल हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं उसके बाद ट्रेंड्स कितना वीक है और स्टिल आप अपनी शॉर्ट पोजीशन अगर आपने क्रिएट करी हुई है तो आप उनको होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो ये देखने के बाद भी अगर आप यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस फिगर आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे RSI जोन्स की। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वेबिनार में बताया था कि RSI जो है बेसिकली ऑसिलेटर जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करता है, वो सेंटर लाइन ऑसिलेटर नहीं है। तो इसकी जो हमने लास्ट टाइम रेंज की बात की थी वो की थी कि 30 and 70। तो हमने बात की थी कि अगर RSI 70 के ऊपर है तो जनरली हम उस एरिया को या उस जोन को हम ओवरबॉट जोन कहते हैं और जब RSI 30 के नीचे है तो उस जोन को हम बेसिकली ओवरसोल्ड जोन कहते हैं। तो ये जो रेंज है ये बेसिकली होल्ड करती है टिपिकली जब मार्केट आपका रेंज बाउंड हो। ओके, जब ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा हो, मार्केट बहुत रेंज बाउंड है तो उस समय ये रेंज जो है 70-30 की बहुत मैटर करती है। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट्स में ये 70-30 का जो रेंज है ये चेंज होता है। ये आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ये 70-30 की रेंज नहीं देखनी चाहिए। तो फिर क्या देखना चाहिए हमें 70 ट्रेंडिंग मार्केट में, तो वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको 70-30 का जस्ट एक रफ आइडिया देती हूँ कि अगर मार्केट रेंज में है तो RSI 70-30 पे आपको कैसा दिखता है और कैसा होता है। तो आप ये देख सकते हो ये मार्केट ओवरऑल रेंज में है, कहीं पे कुछ मेजर हैपनिंग नहीं हो रहा प्राइस का इन टर्म्स में। आप देख सकते हो कि प्राइसेस बहुत ही रेंज में है और ये कोरोमंडल का डेली चार्ट है। उसी तरह आप RSI भी देख लो कि बेसिकली आप देखोगे ये रेंज है 70 नीचे 30, ओवरऑल RSI भी इसी रेंज में ही घूम रहा है। तो जब मार्केट या प्राइसेस कह लीजिए कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, मैं कहूंगी मार्केट से ज्यादा प्राइस को देखो। अगर प्राइसेस आपकी रेंज में है तो वहां पे आप कह सकते हो 70-30 का रेंज आप देख सकते हो, बट अगर प्राइसेस आपकी ट्रेंडिंग है आइदर साइड डायरेक्शन तो 70-30 हमें नहीं देखना है। उस केस में बेसिकली हम अगेन उसको दो वे में डिवाइड करेंगे। एक कि अगर आपका मार्केट ट्रेंडिंग अपवर्ड्स है, बुल मार्केट है, तो हमें क्या रेंज देखना है। तो अगर आपका मार्केट ट्रेंडिंग है अपसाइड है तो उसमें जो रेंज है वो है 40 to 80, जिसमें कि 80 जो है आपका ओवरबॉट जोन है। अनलाइक कि आपका मार्केट या प्राइसेस रेंज और हमारा 70 था, यहाँ पे 80 होता है। तो 80 एंड अबव इज योर ओवरबॉट जोन एंड 40 to 50 हमारा जो है वो ओवरसोल्ड जोन रहता है। तो एज लॉन्ग एज जब तक RSI जो है वो बिहेव कर रहा है इस पर्टिकुलर मैनर में, तो वो जो ये बताता है कि जो आपका बुल मार्केट है वो इंटैक्ट रहेगा। ओके, और आपको जब भी वो ओवरसोल्ड में आता है तो आपको बेसिकली उस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए अपनी लॉन्ग पोजिशन क्रिएट करने के लिए। तो आई होप ये सबको क्लियर हो रहा है कि जो ट्रेंडिंग मार्केट में
40 to 80 हमें बुल मार्केट में इसको यूज करना है आरएसआई के रेंज को। अभी आप देख सकते हो ये अपवर्ड ट्रेंड है, ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह ये 40 40 40 40 आरएसआई की रीडिंग है या उसके ऊपर अबव है, ओवरसोल्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह पॉजिटिव पैटर्न से मार्केट रैली कर रहे हैं, और यहाँ पे ये देखिए 80 80 80 अबव। सो व्हेन द मार्केट्स आर ट्रेंडिंग, तो आप हमेशा देखोगे कि आरएसआई बेसिकली 80 अबव रहेगा या 80 ऊपर ट्रेड करेगा, और जब भी ओवरसोल्ड में आएगा तो 40 इज द ओवरसोल्ड, और वहां से हो सकता है सपोर्ट लेके वापस भी जाए। ठीक है, तो ये आई होप सबको क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा ट्रेंड डाउन है, हम बेयर मार्केट में हैं, तो अगर आप बेयर मार्केट में हैं तो आपको जो आरएसआई की रेंज यूज करनी है वो होगी 20 to 65, जिसमें कि हमारा ओवरसोल्ड रीजन जो होगा वो 20 एंड बिलो होगा, और हमारा जो ओवरबॉट जोन होगा वो 60 to 65 होगा। और जब तक आरएसआई इस पर्टिकुलर रेंज में बिहेव कर रहा है, तो अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी हुई है तो आप शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये बेयर मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हमारा आरएसआई उस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। और जब मान लीजिए आरएसआई आपका ओवरबॉट की तरफ जाने लगता है, इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड 60 to 65 जा रहा है उस तरफ, तो वहां पे आप अपनी पोजीशंस को शॉर्ट कर सकते हैं, न्यू शॉर्ट पोजीशंस कर सकते हैं या फिर फर्दर शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल से दिखाती हूँ। ये कोल इंडिया का चार्ट है और आप यहाँ देख सकते हैं, पहली चीज प्राइस को लेके अगर हम देखें, सबसे पहले तो ट्रेंड डाउन ही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेरिश पैटर्न है, ये आरएसआई जो है बेसिकली आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 65 के आसपास है। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि अगर 60-65 के आसपास होता है, अगर ओवरबॉट पे है और बाकी के क्राइटेरिया विद प्राइस आपके फुलफिल होते हैं, तो आप अपनी पोजीशन शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट आई थिंक बेरिश एनगल्फिंग है, और यहाँ पर आप आरएसआई देखिए 60 पर है, तो जैसे यहाँ पे है प्राइस और आरएसआई, आप यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगेन आप देख सकते हो कि डाउनसाइड में आपको कितना डाउनसाइड कैप्चर करने को मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए मई में यहाँ पे भी बेरिश पैटर्न है, आरएसआई इज ऑलमोस्ट 60 पे है, यहाँ पे भी आप अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जब मैं बोल रही हूँ कि जब ओवरसोल्ड ओवरबॉट में जा रहा है तो वहां पे उस लेवल्स पे जाके आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रीवियस हिस्ट्री भी देखोगे, अगर चार्ट को थोड़ा सा नैरो डाउन करोगे, जूम इन करोगे, तो आप देखोगे कि 60-65 से आरएसआई हमेशा घूम रहा है और वहां से शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो रही है। अब हमने जो बेसिकली ये सब यूज किया कि बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस, इन सब चीजों को हम आरएसआई पे यूज करके बेसिकली जो हमें आइडेंटिफाई करनी है ट्रेंड वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आरएसआई बहुत हेल्पफुल है। तो हमेशा जब आप आरएसआई को यूज कर रहे हो, उसके जो जोन्स को आपको हमेशा ध्यान में रखना है अगर आपको अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो अगर जैसे कि रेंजिंग मार्केट है, जो कि मैंने आपको बताया कि सिंपल मार्केट रेंज में है, तो आपको 70-30 यूज करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ट्रेंडिंग एक साइड है, बुल मार्केट है, तो आपको अलग रेंज यूज करनी चाहिए। बेयर मार्केट है तो अलग रेंज यूज करनी चाहिए। आरएसआई जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म जो टाइम फ्रेम है उस पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। और दूसरी चीज ये भी है कि आरएसआई को जब आप देख रहे हो तो आइसोलेशन में मत देखिए, बेसिकली उसको प्राइस पैटर्न्स और अदर टूल्स के साथ देखिए, मे बी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट या अदर जो पैटर्न्स है उसके साथ देखिए, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करता है।
और जब भी आप आरएसआई को देख रहे हो, आरएसआई को हम हमेशा यूज कर सकते हो. बेसिकली एक तरीके से कहना चाहिए ये गाइडलाइन है कि आपके जो पोटेंशियल ट्रेंड शिफ्ट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, तो वो आपको आरएसआई बहुत हेल्प करता है अगर आप उसको यूज करते हो ये पोटेंशियल ट्रेंड शिफ्ट आइडेंटिफाई करने के लिए. तो इसका अगर मैं आपको दिखाऊं, एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ चार्ट पे, तो बेसिकली आप देख सकते हो ये जेएसडब्ल्यू स्टील का डेली चार्ट है, राइट. अगर आप देखोगे ये ट्रेंड इज एकदम डाउनसाइड है, ओके. अभी हमने देखा ये बेयर मार्केट है, ये हमने जब बात की थी कि अगर आपका ट्रेंड एक साइड का है, मतलब आइदर साइड अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो हमें क्या रेंज देखनी चाहिए, हमें 20-60 का होता है, और जिसमें से जिसमें कि हमको, हमने बात की थी कि 60-65 में जब वो ओवरबॉट में जाए तो हम वहां पे पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं. तो आप क्लियरली इस चार्ट पे देख सकते हैं कि ट्रेंड डाउन है, और हमेशा ये 60-65 की जब रेंज में आता है और नीचे अराउंड 20 की जब रेंज में आता है, वहां से इट स्टार्ट मूविंग 60-65 के आसपास, अगेन उसमें आप सेलिंग देखते हैं. अब जो मैंने आपको बताया कि हम आरएसआई को, जो मेरा लास्ट पॉइंट था कि आप उसको यूज कर सकते हैं जब आप एक बेयर मार्केट जोन से बुल मार्केट जोन में जा रहे हो, तो उसके लिए वो बहुत ही अच्छी तरह से आप कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको दिख भी सकता है कि कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे प्रीवियसली फ्रॉम अक्टूबर 2019 टू अक्टूबर 2020 तक बहुत रेजिस्टेंस फेस कर रहा है आरएसआई अराउंड 60-65 लेवल. बट अप्रैल ऑनवर्ड्स वी हैव नोटिस कि ये जो 60-65 का लेवल है आरएसआई ने ब्रेक किया है, दैट रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसने अपसाइड रैली किया. ऑल्सो इसको सपोर्ट में, तो ये बेसिकली ये जोन जो था 60-65 का वो ब्रेक हुआ और ये शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द बुल जोन. और आप प्राइसेस पे भी देख सकते हो कि एक तरह का से ये चैनल था, इस चैनल का ब्रेकआउट आया. तो ये दोनों चीजें कितनी मैच कर रही है, दोनों पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं कि आरएसआई का प्रीवियस जोन जो 65 का था रेजिस्टेंस, वो ब्रेक होता है विद अ ब्रेकआउट इन द प्राइसेस, चैनल प्राइसेस जो है, चैनल का ब्रेकआउट है उसके साथ वो होता है. तो ये क्लियर सिग्नल है कि इस लेवल पे, यहाँ पर आप बेसिकली अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं. और उसके बाद आप फिर देख सकते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि यू नो एम स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हल्का सा एम स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा करेक्ट होता है, बट अगेन प्राइसेस सपोर्ट लेती है. और फिर आप देखोगे कि आरएसआई में जो हमने बताया कि जब बुल ट्रेंड, बिकॉज चैनल डाउनवर्ड स्लोपिंग था तो एक तरीके से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो जब बुल ट्रेंड स्टार्ट होगा तो बेसिकली जब वो 40 के ओवरसोल्ड रीजन पे आएगा, वहां से आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे देखोगे कि पैटर्न भी जो है प्राइस का बहुत पॉजिटिव है, आरएसआई 40 पे, अगेन ये दोनों पैरामीटर आपके फुलफिल हो रहे हैं, तो बेसिकली आप यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड अप कर सकते हैं. एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरएसआई हमेशा यहाँ पे अराउंड 90 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है और फिर हमेशा 40 के आसपास सपोर्ट लेता है. और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि 40 को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो एज यहाँ पे पैटर्न भी नेगेटिव बन रहा है. तो मैंने आगे का जो चार्ट है वो नहीं दिखाया क्योंकि मुझे आपको इसी चार्ट पे फोकस करना था कि किस तरह से हम बेयर मार्केट जोन से हम शिफ्ट हो रहे हैं बुल मार्केट जोन पे. और हमने आपको ये बताने की कोशिश करी कि आरएसआई के साथ किस तरह से आप प्राइस को देख सकते हैं, किस तरह चैनल जो मैंने आपको बताया उसको भी हमने इग्नोर नहीं किया, उसको भी कंसिडर किया है. तो और हमने उसकी जो रीडिंग है बेयर मार्केट में 20-65 और बुल में 40-90, उसको भी सबको कंसिडर करके हम अपने ट्रेड्स ले सकते हैं. और अगर आप उस हिसाब से अपने ट्रेड लोगे तो वो बहुत आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा फॉलो अप देते हैं. तो इसी के साथ हमारा ये जो सेकेंड पार्ट है आरएसआई वेबिनार का, वो यहीं पे समाप्त होता है. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं, आप हमें Q&A सेशन में डाल सकते हैं और हम उसको आंसर करेंगे.
आई थिंक अभिषेक ने आंसर किए हैं काफी क्वेश्चन, बट फिर भी जो मुझे एकाध दिख रहे हैं, जैसे किसी ने पूछा है कि इंट्राडे ट्रेड में हम RSI को कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसामा आप बेसिकली ये जो मैंने जितने भी आपको पैरामीटर्स बताए हैं, बुलिश बेरिश, फिर हिडन डाइवर्जेंस, फिर स्विंग, बुलिश बेरिश स्विंग फेलियर्स, और ये जो जोन शिफ्टिंग है, ये जो भी मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं कि ये आप सब इंट्राडे में यूज कर सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू RSI. तो अगर मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आप इंट्राडे में देख रहे हो कि RSI कंटिन्यूअसली इट्स एन अप ट्रेंड, ओके, नैरो रेंज में नहीं है, नैरो ट्रेंड में नहीं है, तो ये जो 40-90 वाली रीडिंग है वो भी आप देख सकते हो इंट्राडे में. सो ये सब चीजें आप सब टाइम फ्रेम पर देख सकते हो. किसी ने पूछा है कि ADX इंडिकेटर के बारे में बताइए, तो समर्थ हम लोग अभी ADX इंडिकेटर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हमारा फोकस RSI पे है, बट कमिंग वेबिनार्स में या कमिंग वीडियो सीरीज में हम अपना ADX इंडिकेटर को भी कवर करेंगे, तो आप बेसिकली उसके लिए अभी स्टे ट्यून रहिए. मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप प्लीज वेबिनार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा. अभी जैसे प्रशांत है वो ऑप्शन हेज के बारे में पूछ रहे हैं, विच इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट हमारे टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में. तो जो भी है टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में प्लीज क्वेश्चन पूछिए. बाकी आप हमको, अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं या कंफ्यूजन है, आप मुझे या अभिषेक को मैसेज कर सकते हैं ट्वीट पे या फिर मेल कर सकते हैं, एंड वी विल लव टू एड्रेस योर क्वेरीज. और एक बात, ये वीडियो की, आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे जल्दी अपलोड की जाएगी, तो अगर आपको फिर से रेफर करना हो तो आप रेफर कर सकते हैं, आपको अगर इंग्लिश में देखना हो तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं. सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए और अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. ऑल्टरनेटिवली किसने पूछा था अबाउट ADX इंडिकेटर, जैसे कि सुरुचि ने कहा कि ये वेबिनार में हम लोग सिर्फ RSI कवर कर रहे हैं, तो आपको अगर ADX इंडिकेटर के बारे में जानना है तो आप हमारे स्कूल ऑफ स्टॉक्स वेबसाइट में जा सकते हैं. गूगल कीजिए फायर स्कूल ऑफ स्टॉक्स, और वहाँ पे आप वेबसाइट के अंदर जाओगे तो टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल है. टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल में एक टेक्निकल इंडिकेटर्स करके चैप्टर है, उसमें ADX इंडिकेटर के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वहां रेफर कर सकते हो. एक क्वेश्चन आ रहा है कि बुलिश डाइवर्जेंस और नॉर्मल हिडन डाइवर्जेंस और नॉर्मल डाइवर्जेंस में क्या डिफरेंस है, तो सुरुचि could you go back to the slide? Yeah, yeah. उससे पहले अभिषेक, there is one question कि RSI leading है या lagging indicator है. So basically RSI जो है ये leading momentum indicator है, it's not lagging. तो I hope चंद्रपाल, मैंने आपका ये question answer कर दिया है. हाँ, so अभिषेक आप क्या बोल रहे थे, hidden divergences, right? So normally normal divergence होता है, for example bullish divergence होता है ना, उसमें क्या होता है कि price lower low करता है और RSI higher low करता है. So could you go back to bullish divergence? So ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने maybe शायद हो सकता है आपने थोड़ा late join किया हो, पता नहीं, but ये bullish divergence जो है ये आप इसमें बहुत clearly देख सकते हैं कि prices किस तरह lower lows बना रहे हैं, और RSI जो है वो बेसिकली हायर लोज बना रहे हैं. ये बहुत ही क्लियरली आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा. वेयर एज जब हम बुलिश हिडन डाइवर्जेंस की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज जस्ट ऑपोजिट. हमने बुलिश डाइवर्जेंस में देखा कि प्राइस लोअर लो था, RSI हायर लो था, तो यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे प्राइस जो है वो लो, हायर लो बना रही है. तो हायर, तो फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, थर्ड हाई, तो बेसिकली हायर हायर लोज बन रहे हैं, और RSI में आप देखोगे लोअर लोज बन रहे हैं, तो वो आपका बेसिकली बुलिश हिडन डाइवर्जेंस होता है.
तो जो बेसिकली आपका बुलिश बेयरिंग डाइवर्जेंस है उसके जस्ट आपका ऑपोजिट बुलिश और बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम हम एक मिनट फायर स्कूल ऑफ स्टॉक्स का लिंक शेयर करता हूँ, एक मिनट। या उसके अलावा गजानन आप पूछ रहे हैं कि बुल मार्केट में रेंज शुड बी 40 to 80 और 40 to 90। सो बेसिकली नॉर्मली 40 to 80 है, बट या जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आप आगे पीछे देख सकते हैं, सो यू कैन टेक 90 ऑल्सो, बट नॉर्मली इट इज 40 to 80। अंकित पूछ रहे हैं हाउ मच एक्यूरेट डज इट गेट विद डिफरेंट टाइम फ्रेम। सो अंकित सी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि RSI सबसे पहला तो एक लीडिंग मोमेंटम इंडिकेटर है, लेकिन आप इसको आइसोलेशन में यूज मत करिए। आपको अगर इसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी चाहिए सो आपको इसके साथ दूसरे पैटर्न, प्राइस पैटर्न, चार्ट पैटर्न, अगर आप उसको साथ में कंबाइन करके देखोगे तो वो उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और ये मैंने आपको दिखाया भी है, जैसे कि आपको लाइव नॉट लाइव बट चार्ट एग्जांपल्स पे मैंने आपको दिखाया भी है। रतनदीप, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आपका क्वेश्चन। आप ये क्या बोल रहे हो मैम, व्हाई कांट वी इम्प्लीमेंट दी स्ट्रैटेजीज, वी फॉरगेट एवरीथिंग इन इंट्राडे ट्रेडिंग इज इट। सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आप क्या बोलना चाह रहे हो। सत्यम आप पूछो इंट्राडे में टाइम फ्रेम क्या यूज करना चाहिए RSI के साथ। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आप कोई सा भी अगर इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो 1 minute 2 minute इज नॉट सेंसिबल कि आप उस पर करो, क्योंकि बहुत आपको फ्लक्चुएट होगा, मोमेंट बहुत फास्ट होंगे। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड अच्छे से लेने हैं तो 15, 30 or 60 minute पे देखना चाहिए RSI को। इनफैक्ट कोई सा भी अगर आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो 15, 30, 60 minute आपको नॉर्मली देखना चाहिए। बहुत से लोगों ने आई थिंक अगेन टाइम फ्रेम के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी और मैं बार बार बता रही हूँ कि ये जो आज हमने जितने भी पॉइंट्स आपको कवर किए हैं, फ्रॉम डाइवर्जेंस, बुलिश बेयरिश, ट्रेंडिंग मार्केट में जो रेंज करी है, डाउनसाइड ट्रेंडिंग मार्केट में, ये आप सब टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। बट माई ओनली रिक्वेस्ट इज कि 15 मिनट के नीचे इसको मत यूज करिए, बिकॉज आपको बहुत फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेंगे तो आपके ट्रेड्स आप ढंग से कैप्चर नहीं कर पाओगे। एंड अगेन जब आप इंट्राडे कर रहे हो 15, 30, 60 टाइम फ्रेम पे भी, तो भी ये चीज ध्यान रखिए कि खाली RSI पे अपने ट्रेड्स मत लीजिए। यू हैव टू कंसिडर प्राइस मूवमेंट क्या है, पैटर्न कैसा हो रहा है, वो सब चीजों को कंसिडर करके जब ये सब कॉम्बिनेशन करके पैरामीटर्स आपके फुलफिल होते हैं तो आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। Somebody wants to know our email ID. So mine is Suruchi, मैं सबके रेफरेंस के बोल देती हूँ, suruchi@fires.in, और अभिषेक का है अभिषेक chinchalkar@fires.in। abhishek@fires.in आपको कोई भी क्वेरी हो तो क्विकर रिस्पांस के लिए आप ट्विटर में भी पूछ सकते हैं। ट्विटर में मैं सुरुचि, हम दोनों एक्टिव है, तो यू कैन ऑन ट्विटर आल्सो देन ऑन ईमेल। किसी ने पूछा है इंट्राडे में RSI एंड मूविंग एवरेज कितना रखना चाहिए। तो देखिए अगर अगेन मैं यही कह रही हूँ कि डिपेंड करता है कि आप किस उस पे देख रहे हैं, मार्केट या प्राइस, ट्रेंडिंग है या रेंज बाउंड है।
अगर ट्रेंडिंग है तो आपको जो हमने ट्रेंडिंग में बताए हैं रेंज उसको देखकर यूज करना चाहिए, और अगर रेंज बाउंड है तो आपको जो रेंज बाउंड की हमने बताई है 70-30 वो वाली चीजों को देख के करना चाहिए। एंड मूविंग एवरेज कितना रखना चाहिए, तो बेसिकली सी अगेन प्रीतम इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट नॉर्मली जो मैं इंट्राडे के लिए मूविंग एवरेज देखती हूँ क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म रहता है, तो मैं नॉर्मली 3-6-8 के क्रॉसओवर्स पे काफी ध्यान देती हूँ, तो मे बी यू कैन लुक एट दैट। अदरवाइज हर किसी का एक अपना अपना यू नो कनेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ मूविंग एवरेज आपको क्या देखना चाहिए। और मेरे ये जो मूविंग एवरेज है दीज आर एक्सपोनेंशियल, दे आर नॉट सिंपल मूविंग एवरेज, बट हाँ मैं नॉर्मली अगर रेंज बाउंड है तो मैं 70-30 इंट्राडे में आरएसआई की रीडिंग्स को लेकर विद प्राइस पैटर्न ट्रेड लेती हूँ एंड ऑन 15-30 60 मिनट चार्ट। कैन वी डाउनलोड दिस पीपीटी? सॉरी यू कैन नॉट डाउनलोड दिस पीपीटी, बट ये जो लाइव है वेबिनार का यू विल गेट इट ऑन आर यूट्यूब चैनल, तो आप वहां पे जाके इस वेबिनार को फिर से देख सकते हैं। एनी ईमेल आईडी टू रीच आउट? सो एज यू कैन सी मैंने बताया है अगर आपको मुझे फॉलो कर मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ट्विटर पे बता सकते हैं, और नहीं तो suruchi.fire पे आप मेल कर सकते हैं, suruchi@fires.in पे मेल कर सकते हैं, अभिषेक को आप abhishek@fires.in पर मेल कर सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं हम लोग वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। और ये मेरा फायर्स कम्युनिटी का है suruchi-kapoorwan, और मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग एक्टिव ट्रेडर हैं या आपको कुछ भी है तो हमारा फायर्स कम्युनिटी प्लीज ज्वाइन करें। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स आते हैं और हम सब वहाँ पे डिस्कशंस करते हैं इन टर्म्स टू मार्केट्स, इन टर्म्स टू हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स। तो या इट्स फाइनली अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत यू नो हेल्दी डिस्कशंस होते हैं इन सब टॉपिक्स पर। तो अगर आपको इन सब टॉपिक्स पे इंटरेस्ट है या आप जानना चाहते हैं लेटेस्ट क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, नॉट ओनली इक्विटी बट हम करेंसी कमोडिटी पूरे वहाँ पे कवर करते हैं चीजें, तो बेसिकली इट्स लाइक यू नो वन टू वन इंटरेक्शन। तो वहाँ पे भी आप मुझे और अभिषेक के मेरे साथ और अभिषेक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ क्वेरी हो तो वहां पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं। आई थिंक हमने काफी आंसर कर दिए हैं अभी एक आई थिंक एक कोई कृष्णा है पूछ रहे हैं कि विच इज मोर पावरफुल बुलिश डाइवर्जेंस और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। तो कृष्णा देखिए मैंने जैसे पहले भी बोला ऐसा कुछ नहीं है कि बोलना बहुत मुश्किल है कि बुलिश डाइवर्जेंस पावरफुल रहेगा या हिडन डाइवर्जेंस पावरफुल रहेगा। सी इट डिपेंड्स ऑन दी मार्केट में क्या ट्रेंड है, प्राइजेस किस तरह से मूव कर रहे हैं, ओके क्या पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि एक पर्टिकुलर आरएसआई को ऐसे आप अलग से करके नहीं कर सकते हो, आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि दोनों ही जब भी आप आइडेंटिफाई करते हो वो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे बहुत डिफिकल्ट होगा ये बोलना कि बुलिश इज मोर स्ट्रांग और हिडन बुलिश इज मोर स्ट्रांग। आई गिव इक्वल वेटेज टू बोथ ऑफ देम। देखिए काफी लोग इंट्राडे के बारे में बहुत पूछ रहे हैं, तो मे बी हम अपना एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि किस तरह से आपको इंट्राडे ट्रेड्स लेना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए और कौन से बेसिकली इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स आपको यूज करने चाहिए।
बिकॉज ये ऑल टुगेदर बहुत यू नो सेपरेट चीज है और इसको काफी टाइम की जरूरत है. तो इस जैसे कि हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, इतने छोटे टाइम पीरियड में इंट्राडे पे मैं ज्यादा आपको बता नहीं पाऊंगी. लेकिन जैसे ऋषि ने पूछा है कि इंट्राडे में स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए, तो जब जब भी आप कोई इंट्राडे ट्रेड लो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो हमेशा 1:2 होना चाहिए. ये एक स्टैंडर्ड रूल है. बट उसके हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रफली 1:2 कैलकुलेट कर लो जहां से आप एंटर कर रहे हो प्राइस पे. डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपको इन्वॉल्व करनी होगी कि प्राइस पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, प्रीवियस लो को लेना चाहते हैं, स्विंग लो को लेना है, हाई को लेना है, आइदर साइड लॉन्ग शॉर्ट ऑसिलेटर्स कैसे मूव कर रहे हैं. तो इट इटसेल्फ इज अ वेरी यू नो ह्यूज सब्जेक्ट. बट हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम अपना सिंस इंट्राडे पे बहुत रिक्वायरमेंट है तो उस पर एक वीडियो लेकर आते हैं. और मे बी वी कैन हैव अ वेबिनार ऑन पर्टिकुलरली फॉर इंट्राडे. ओके, आई थिंक अभिषेक हमने काफी सारे आंसर्स कर दिए हैं. सो आई थिंक हम यहाँ पे अपना वेबिनार यू नो समाप्त कर सकते हैं. एंड या सो थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड. थैंक यू एवरी वन, हैव अ ग्रेट वीकेंड.